जेडीयू नेता संजय झा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। संजय झा ने कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद सब पर गाज गिरेगा, भाई बहन पर बात नहीं आएगी, खड़गे ही बलि का बकरा बनेंगे। साथ ही यह भी कहा है कि राहुल गांधी के दादी ने कहा था कि गरीबी हटाओ और 50 साल बाद उनके पोते भी स्लोगन दे रहे हैं। राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों ने परिवार के आगे कुछ भी सोचा ही नहीं। ये साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही, देखे ना किस तरह कल आए हैं। पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में, तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए और अल्टीमेटली आप तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है, तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं, यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को बलि का बकरा। राहुल गांधी ने कहा है आरा में कि इंडिया गठबंधन के सामने दो समस्या है, एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। जब कांग्रेस इन दोनों का समस्या को एक झटके में दूर करेगी, सोचिए जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अब भी बैठ करके ये कर लेंगे। क्योंकि ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आए। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया तब नहीं आए हैं। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी